हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेल्पर स्टार में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चॉकलेट लावा की रेसिपी। इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बनाते हैं। तो चॉकलेट लावा केक बनाने के लिए हमें लगेगा 50 ग्राम रिफाइन ऑयल यानी 1/4 कप, 1/4 कप बचा लेंगे जिससे हम केक के कंटेनर में यूज़ करेंगे ताकि इसमें जो केक हो वो चिपके ना। इसको कहते हैं डस्टिंग करना। इसकी जगह आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे पहले तेल लगा रही हूँ फिर मैदा लगाऊंगी जिससे केक इस पे चिपकेगा नहीं। इसको कहते हैं डस्टिंग करना। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम सूखा पाउडर एक साइड निकालेंगे और लिक्विड सामान एक साइड निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये गंज में जो मैदा लिया था अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। क्योंकि ये बिना अंडे वाला केक है इसलिए अब हम इसमें सोडा भी डालेंगे। तो सोडा लिया है हमने 1/2 टीस्पून। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सादा वाला विनीगर 1 टीस्पून। वन टीस्पून फ्लेवर के लिए चॉकलेट एसेंस। अब चॉकलेट लावा है, जाहिर सी बात है चॉकलेट एसेंस तो डालेंगे ही, नहीं तो फ्लेवर कैसे आएगा। और यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप शक्कर यानि 100 ग्राम। सौ ग्राम मिल्क यानि 1/2 कप दूध। आपको अगर दूध अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1/2 कप मिठाई मेड। इससे जो केक का स्वाद होता है वो डबल हो जाता है यानी दुगना हो जाता है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक शक्कर घुल ना जाए और ये जो सारा बैटर है वो अच्छे से मिल ना जाए। देखिए कितने अच्छे से मिल गया है। ऐसा आप बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ। फिर अब हम इसमें वो जो हमने सूखा पाउडर साइड में निकाला था वो डालेंगे। अब इसे मिलाते समय एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमें इसे सिर्फ वन साइडेड मिलाना है। इससे हमारा जो केक होता है वो अच्छा फूलता है। अब हम इसमें डालेंगे कैरेमल कलर 2 टीस्पून। अब कैरेमल कलर हम लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो होता है ये भारी होता है। अगर हम इसे पहले ही डालेंगे तो ये नीचे जाके जम जाएगा, इसलिए हम इसे लास्ट में डाल के अच्छे से मिक्स, इसे आप लोग भी मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड हमने लिया है 1 कप जिसे हमने अच्छे से कूट लिया यानी तोड़ लिया है। अब ये जो गंज हम ले रहे हैं यानी जो हम कंटेनर ले रहे हैं उसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि वो जो चौड़ाई में ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन गहराई में होना चाहिए। देखिए इसी तरह से अब हम इसमें आधा बैटर डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम वो कूटी हुई चॉकलेट डालेंगे डार्क कंपाउंड। फिर बाकी बचा हुआ बैटर उसके ऊपर से डाल देंगे इसी तरीके से। और यहाँ पे हमने गंज लिया है जिसको धीमी आंच पे चढ़ा दिया है। इसको हमने फ्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें केक डाल रहे हैं जो 40 से 45 मिनट में तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे।
देखिए हमारा केक कितना अच्छे तरीके से बन गया है। थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खाइए और खिलाइए।